अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। आज बहुत दिनों बाद विनय कुमार मिश्रा जी की एक रचना लेकर आपके सामने आया हूँ। विनय कुमार मिश्रा जिनकी रचनाएं मैंने पहले भी पढ़ी हैं और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। नीव उनकी कहानी का नाम है। नीव बड़े ताऊ एक अटैची लिए बड़े उदास होकर एक बड़े से मकान से निकलकर गांव के एक चबूतरे पर बैठ गए, जहां से कुछ ही दूरी पर आने जाने के लिए बसें भी रुकती हैं। सामने सड़क सुनसान थी। परेशान होकर चारों तरफ नजरें घुमाकर जैसे पूरे गांव को देख रहे हों। अब इस चबूतरे पर उनकी पुरानी मंडलियां भी नहीं बैठती। उन मंडलियों के कुछ लोग हैं ही नहीं। अब बड़े ताऊ ने ही बरसों पहले बंटवारे की नींव रखी थी। हमें इस पोखरे की दूसरी तरफ की जमीन दे खुद के लिए मकान भी रख लिया था, जहां से वो अभी निकल कर आ रहे हैं। पापा ने तब ये छोटा सा मकान बनाया था जहां से मैं उन्हें देख रहा था और कुछ याद भी कर रहा हूं। बहुत छोटा घर बनाया है तुमने और घर बनते भी देखा है मैंने। तेरे घर की नींव बहुत कमजोर है रे, उन्होंने अपने बड़े से मजबूत घर की ओर देखते हुए कहा था। पापा बड़ी इज्जत करते थे बड़े ताऊ की, वो उनके खिलाफ कुछ कहते भी नहीं थे। भैया जमीन का बंटवारा तो हो गया है पर रिश्ते आज भी नहीं बटे हैं। गृह प्रवेश है आज। अगर पूजा पर आप और भाभी बैठेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा पर तुम ही लोग बैठ जाना, हम आशीर्वाद देने पहुंच जाएंगे। ताऊ आखिरी बार उस दिन हमारे घर आए थे। पापा आज भी उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। जहां भी देख लेते हैं वहीं पैर छुए बिना नहीं रहते, भले ही बड़े ताऊ उन्हें आशीर्वाद दें या ना दें। बड़े ताऊ के राइस मिल उनके बेटे देख रहे हैं अब। पापा पहले भी खेतों में काम करते थे, अब भी उनका मन खेतों में ही लगता है। मैं यहीं के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। सुनिए बाबूजी को आवाज़ दीजिए, खाना बन गया है। पत्नी की आवाज़ सुन मैं पापा को आवाज़ देने ही वाला था कि देखा पापा खेतों से बड़े ताऊ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भैया इतनी धूप है, ये अटैची लिए यहाँ क्यों बैठे हैं? ताऊ ने गर्दन सीधी कर पापा को देखा और अपने गमछे से अपनी आंखें पोंछने लगे। गिरधर तू? हाँ, पर आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? बेटों ने बंटवारा कर लिया है गिरधर, कुछ दिनों से घर में कलह बना हुआ है, मेरी अब कोई नहीं सुनता। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। तब तक एक बस आकर रुक गई थी। ताऊ उठकर जाने को हुए तो पापा ने इशारे से बस को जाने को कहा। गांव छोड़कर इस उम्र में कहाँ जाएंगे आप भैया, क्या करेंगे आप? चलिए ये अटैची मुझे दीजिए, आपका एक घर और भी है। पापा बड़े ताऊ को लेकर घर आ गए। ताऊ गृह प्रवेश के बाद आज पहली बार आए हैं। मैंने और पत्नी ने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुनो बहू, भैया अब यहीं रहेंगे, खाना बन गया हो तो हम दोनों का खाना निकाल दो, आज बहुत दिनों बाद हम एक साथ खाएंगे। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे और इन दो भाइयों को एक साथ देख हमारी भी। बड़े ताऊ ने पापा को गले लगा लिया और हमारी तरफ देखने लगे। गिरधर तेरे इस घर की नींव बहुत मजबूत है रे, बहुत मजबूत है।